श्री राम, जय बागेश्वर धाम महाराज, जय बालाजी की जय हो। आज लास्ट दिन है और अंतिम दिन में आप देख सकते हैं भंडारा सागर खुरई में किस तरह से भक्तों ने भंडारा का आनंद उठाया और काफ़ी अच्छा वहां पर दिव्य दरबार लगाया गया और जिस तरह से महाराज जी हनुमान कथा सुनाए काफ़ी भव्य तरीका से मनाया गया। जहां भी बागेश्वर धाम सरकार जाते हैं यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, वहाँ भक्तों को तांता लग जाता है। देख सकते हैं इससे पहले गए थे राजस्थान के सीकर में, वहाँ भी इसी तरह के भक्तों का तांता लगा। उससे पहले नेपाल में गए थे, वहाँ भी बागेश्वर धाम के इतना बड़ा चमत्कार देखने को मिलता है। जहाँ भी उनका कथा हो, जैसे पटना बिहार में आए थे तो यहाँ पर लोगों को इतना भारी भक्तों का भीड़ हो गया कि बाबा को खुद ही एक दिन के लिए कथा ड्रॉप करना पड़ा। इसी तरह से हिंदुस्तान में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जहाँ भी जाते हैं उनकी कथा जहाँ भी होती है वहाँ भक्तों की लाइन लग जाती है, पंडाल में जगह नहीं बचता। इसी तरह से और जिसका भी पर्चा बनता है उसका पर्चा एकदम 100% सही होता है। हमारे हिंदुस्तान के भी ऐसे ऐसे हिंदुस्तान में कथावाचक हैं जैसे बागेश्वर धाम सरकार, देवकीनंदन ठाकुर जी, श्री अनुरोध आचार्य महाराज जी, हमारे देश के सबसे बड़े बड़े कथावाचक हैं और ऐसे अच्छा अच्छा बात बताते हैं जिनको देखने के लिए भक्तों को काफ़ी भीड़ लगता है। और बागेश्वर धाम सरकार को तो कहना ही नहीं है, जहाँ भी जाते हैं इनका तो एक अलग ही भीड़ होता है। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, हमारे हिंदुस्तान के बच्चा बच्चा बागेश्वर धाम सरकार का नाम जानता है। जैसे बोलिएगा बागेश्वर धाम तो उनको पहचान जाएगी। बागेश्वर धाम सरकार इस तरह सनातनी का झंडा ऊंचा कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ सनातन धर्म के नाम ऊंचा कर, देखिए किस तरह से भीड़ है। और जहाँ भी वो जाते हैं हिंदुस्तान के किसी भी जगह पर वहाँ पर महिलाएं भक्तों का लाइन लग जाता है। इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि अगर आप लोग मानते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार पर खुद ही बालाजी रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें ताकि पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व जाने कि बागेश्वर धाम सरकार में वो शक्ति है जो उनका पर्चा बनता है। पूरा लोग देखते हैं कि पर्चा 100% सच्चाई होता है। इसीलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आप देख सकते हैं किस तरह से भजन हनुमान कथा में किस तरह से बागेश्वर धाम सरकार की महिलाएँ तालियाँ बजाती हुई नज़र आ रही हैं। जहाँ भी जाते हैं उनका भक्त पूरा खुश हो जाते हैं, महिलाएं हो या बच्चे हो या जेंट्स कोई भी भक्त हो, जिस तरह से भक्तों पर उनका आशीर्वाद रहता है। या कहीं भी रहिए, एक नारियल बांधिए, वहीं से ही आपका अर्जी स्वीकार हो जाएगी और बहुत ही बड़ी खबर दे रहे हैं आप लोग को। इसलिए देखिए जय बागेश्वर धाम सरकार अभी राजस्थान के सीकर में गए थे, उसके बाद सागर खुरई में गए हुए हैं, किस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है, जिस तरह से उनका रोड शो हो रहा है काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखने के बाद रोड शो में उनको दर्शकों का श्रद्धालुओं का भीड़ देख रहे हैं, कितना भक्तों का भीड़ उमड़ रहा है। इसीलिए बागेश्वर धाम सरकार हिंदुस्तान के लिए बहुत ही लोकप्रिय बन चुके हैं और जिस तरह से हिंदुस्तान के भक्तों पर उनका आशीर्वाद बरस रहा है, आने वाला दिन में बागेश्वर धाम सरकार पर जगह नहीं बचेगा। लोग जाएंगे वहाँ पर, इतना भीड़ ज़्यादा हो जाएगा भक्तों का, वहाँ जगह खाली तक नहीं बचेगा। जिस तरह से अभी वहाँ पर भीड़ चल रहा है, अभी कुछ दिन पहले का घटना बताता हूँ कि बिहार से एक मामा अपने भांजे को ले गया था, भांजा अंधा था और 15 दिन रहने के बाद उसका भांजा जैसे ठीक हुआ। वीडियो चला तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।